ज्ञान कौन देता था आपका? बीरबल। जैसे कि उसने पूछा था एक बार, कई हजार बार पूछा है, उसने बोला खुदा हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? कौन बोला है आपका? अकबर। जीवन में खुदा का क्या इंपॉर्टेंट है, हम कैसे महसूस करेंगे? तो उन्होंने कहा पहले मुझे एक कप चाय दो। खुदा पूछ रहा है अगला वाले को, चाय याद आ रही, हमारे जीवन में खुदा का क्या वैल्यू है? तो बीरबल ने कहा एक कप चाय मिलेगी? कैसा अजीब आदमी यार, चाय मंगवाओ इसके लिए, दूध वाला, दूध का चाय। उस साथ में अकबर भी पिया और कौन पिया आपका? बीरबल। उसके बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, खुदा हमारे जीवन में, भगवान क्या इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में। तो उन्होंने चाय मंगवाया, दोनों चाय पिए। चाय पीने के बाद उसको पूछा अकबर ने, तेरे को प्रश्न पूछा हूँ, चाय पीने बोला हूँ? चाय पीना जरूरी है महाराज, क्योंकि आपको जवाब देना है। बताइए आपने जो चाय पिया है वो किसका है? बोले दूध का है। इस दूध में आपको चीनी दिख रही है? बोले नहीं, चीनी घुल गई है। किसमें आपका? दूध में। तो जिस प्रकार इस दुनिया में भगवान खुदा हमारे जीवन में घुल गई है, जिस प्रकार कप में चीनी नहीं दिख रहा है, चाय दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन दिखता है, लेकिन हमारी खुदा नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे आपका शक्कर मिल गई है चाय में, वैसे खुदा हमारे जीवन में मिल गया है, हम दिखते हैं, हमारा खुदा नज़र नहीं आता। समझ आए? ये बातें अपने घर में समझा सकते हैं कि हमारे जीवन में भगवान कितनी इंपॉर्टेंट है, तो बोलना पहले एक चाय पिलाओ। ले रहे हैं आपका, फिर चाय पीते हुए बता देना कि इसमें सब चीज़ दिख रहा है लेकिन शक्कर नज़र नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार चाय में शक्कर नहीं दिख रहा है, वैसे हमारी ज़िंदगी में भगवान नज़र नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में भगवान है। ये ऐसा बताता था कौन आपका? बीरबल।